नमस्ते, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, मैं आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि अप्रत्यक्ष कर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सर ने टिक करवाए थे एग्जाम के लिए और सेशनल एग्जाम के लिए, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों हर एक स्टूडेंट तक आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास में बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं और सर महत्वपूर्ण क्वेश्चन टिक करवा देते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। दोस्तों वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में टिक कर लीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन सर ने टिक करवाया था, अप्रत्यक्ष कर क्या है इसकी विशेषताएँ लिखते हुए समझाइए, और दूसरा क्वेश्चन बताया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क में माल का उत्पादन कैसे किया जाता है, MRP में कैसे कवर्ड होता है। दोस्तों यही आप नोट करते जाइए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में और सेशनल एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने अच्छे से इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लिया तो आपके 60 नंबर में से 55 नंबर आएंगे दोस्तों। इसके बाद अगला पूछा गया था तीसरा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में माल का वर्गीकरण समझाइए। चौथा पूछा गया था ट्रेड पॉलेंस थ्योरी समझाइए। इसके बाद पांचवा पूछा गया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन को समझाइए। इसके बाद छठवां क्वेश्चन सर ने नोट करवाया था सेन बेट क्रेडिट क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। सातवां केंद्रीय शुल्क के अपराध और शास्तियाँ यानी कि पेनल्टी और अपील को समझाइए। दोस्तों यह 7 क्वेश्चन सर ने लिखवाए थे जो महत्वपूर्ण है, इन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों सेशनल एग्जाम में और मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों GST में कुछ क्वेश्चन सर ने नोट करवाए थे, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि GST से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। GST क्या है, GST की व्याख्या करो। तीसरा GST के रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बारे में समझाइए। चौथा क्वेश्चन लिखवाया था GST में छूट का वर्णन करो। पांचवा इनकम टैक्स क्रेडिट को समझाइए। इसके बाद छठवां पूछा गया था असेसमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मूल्यांकन प्रशासन को समझाइए। इसके बाद सातवां पूछा गया था टैक्स अथॉरिटी एंड पावर यानी कि टैक्स अथॉरिटी एंड पावर को बताइए क्या है। दोस्तों GST से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए GST की अगर आपके पास PDF नहीं है जो सर ने लिखवाया है तो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आपको उस पर मैसेज कर देना है, लेकिन दोस्तों कॉल नहीं करना। और दोस्तों इसके बाद 10 क्वेश्चन और जो पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए थे उनको भी सर ने लिखवाया है, आप नोट कर लीजिए। पिछले साल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, निर्णित वादों की सहायता से भारत में अप्रत्यक्ष करों के कारारोपण से प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद दूसरा पूछा गया था टिप्पणी लिखिए, व्यापारी बी नंबर आगत कर छूट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था पिछले वर्ष मध्य प्रदेश बैट अधिनियम 2002 के अधीन कर समायोजन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, सुसंगत संविधिक प्रावधानों के संदर्भ में उपरोक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। इसके बाद चौथा पूछा गया था मध्य प्रदेश बैट अधिनियम 2002 के अधीन कराधान घटना को समझाइए। बैट के कारारोपण को शासित करने वाले नियम कौन से हैं। इसके बाद पांचवा पूछा गया था भारत में वाणिज्यिक गतिविधियों पर
आरोपित सेवा कर एवं गंतव्य आधारित उपभोग कर है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। करते हुए भारत में प्रवृत्त सेवा कर के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। छठवां क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की सेवाओं सेवा कर की परिधि से पृथक किया गया है, बताइए। सेवा कर के अधीन संयोजन एवं उपसंबंध में अंतर बताइए। सातवां पूछा गया था, भारत में उत्पाद शुल्क के आरोपण की मूल शर्त क्या है, निर्णय वादों की सहायता से उत्तर दीजिए। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, उत्पाद शुल्क के अधीन माल को प्रशुल्क प्रयोजनार्थ कैसे वर्गीकृत किया गया है, समझाइए। इसके बाद नौवां, निर्णित वादों की सहायता से भारत में सीमांत शुल्क के कराधान के आधार पर परीक्षण कीजिए। इसके बाद दसवां पूछा गया था, भारत में सीमांत शुल्क के विनिश्चय के उद्देश्य हेतु मूल्यांकन किन सिद्धांतों द्वारा शासित होता है, समझाइए। दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए थे। आने वाले समय में इस क्वेश्चन पेपर से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस दोस्तों इस बार चेंज हो चुका है, उसमें जीएसटी को ऐड कर दिया गया है। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों जीएसटी से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, सर ने जो यह क्वेश्चन टिक करवाए थे, इनसे भी कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इतने ही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है, इससे बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 50 या 55 नंबर आएंगे। दोस्तों, आप भी टॉपर बन सकते हो अगर आपने अच्छे से इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।